दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा आपको कि अगर आप लोगों का कोटक महिंद्रा बैंक का खाता है और अपने खाते के अंदर दोस्तों आप जो है कस्टमर केयर से बात करना चाहते हो, कस्टमर केयर को कॉल लगाना चाहते हो, तो किस तरीके से दोस्तों कस्टमर केयर से आप बात कर सकते हो, किस तरीके से आप कॉल मिला सकती हो कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर केयर को, वो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। कई लोगों को दोस्तों डाउट है कि कस्टमर केयर का जो कॉल मिलाने के लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करना होगा, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा दोस्तों उस तरीके से आप कॉल मिलाओ, किसी भी नंबर से आप कॉल मिला सकती हो कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर केयर को। तो कैसे कॉल मिलाते हैं चलो आज की इस वीडियो में बता देता हूँ आपको। लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखो मैं अभी अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन पर आ गया हूँ और दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर केयर को कॉल मिलाने के लिए आपको क्या करना है, आपको दोस्तों देखो एक नंबर पर आपको डायल करना होगा, यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहाँ पर आपको दोस्तों एक सर्च मारना है कोटक महिंद्रा बैंक कस्टमर केयर नंबर। जब दोस्तों आप यहाँ पे सर्च मारोगे आपके पास एक नंबर यहाँ पे दिखेगा 1860-266-2666। आपको दोस्तों इस नंबर पर आपको कॉल मिलाना है। अब देखो यहाँ पर आप कैसे कॉल मिला सकते हो, यहाँ पर आप कहते हो कि सर हम इसी नंबर पर कॉल मिलाते हैं पर हमारा कॉल नहीं लगता है, बैलेंस को रिचार्ज करने के लिए कहता है। तो वहां पर दोस्तों ये आपकी कमी ये है, वहां पे क्यों रिचार्ज करने के लिए कहता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो आप कॉल पे आप क्लिक करते हो दोस्तों वहां पर नंबर पर डायरेक्टली आप कॉल यहाँ पर मिला देते हो, ठीक है। लेकिन अब आपको यहाँ पर कॉल ऐसे नहीं मिलाना, अगर आप नंबर पर डायल करोगे तो यहाँ पे देखो आप क्या करना है +91 दोस्तों जो आपको दिख रहा है ये आपको यहाँ पे हटा देना है। +91 को दोस्तों हटाकर जब आप कॉल मिलाओगे तो आपका कॉल जो है इजिली आपका रह जाएगा कस्टमर केयर के पास। देखो अब ध्यान से सुनना क्या क्या आपको बटन प्रेस करना है, ध्यान से आप सुनना, मैं स्पीकर पर कर देता हूँ। Welcome to Kotak Mahindra Bank's customer contact center. Dear customer, your call is being recorded for internal training, quality and processing purpose. For English, press 1. Hindi 2. For Marathi, press 3. Hindi के लिए आपको दो दबाना है, English के लिए आपको एक दबाना language select करने के लिए। हमारे phone banking officer से बात करने के लिए कृपया आपका CRN और MPIN या फिर debit card या credit card PIN आपके साथ रखें। यहाँ पर कह रहे हैं कि दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक के कस्टमर केयर को कॉल मिलाने के लिए आपके पास CRN नंबर होना चाहिए या फिर दोस्तों आपका डेबिट कार्ड नंबर होना चाहिए या फिर आपका MPIN होना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग पास मोबाइल नंबर भी है तो मोबाइल नंबर से आप जो है कॉल आपका लग जाएगा। यहाँ पर ध्यान से सुनना मैं कैसे लगाता हूँ कॉल, सिर्फ मोबाइल नंबर से। ये जो मोबाइल नंबर ये वाला मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है मेरा, मेरा मोबाइल नंबर दूसरा रजिस्टर्ड है, लेकिन मैं इस फोन से मैं कॉल लगा दिखाता हूँ आपको। नहीं मुझे कस्टमर केयर से बात करना है। आपको एक सही फोन बैंकिंग ऑफिसर को स्थानांतरित, ये वॉइस असिस्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर आपको वॉइस आपको देना होगा, यहाँ पर क्या आपका इंक्वायरी है बताना पड़ेगा सिर्फ अपने आवाज से। बैंकिंग अकाउंट या लोन अकाउंट, बैंकिंग अकाउंट, यहाँ पर आप सेविंग अकाउंट भी बोल सकते हो। प्रमाणित करने की आवश्यकता है। अपने अकाउंट को जांचने के लिए आप क्या इस्तेमाल करना चाहेंगे, CRN या मोबाइल नंबर? मोबाइल नंबर, अगर आप लोग पास CRN नंबर तो आप CRN नंबर ही बोल सकते हो। आपका मोबाइल नंबर दर्ज करें। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा यहाँ पर। We will now proceed with the CRN ending with 9387. Please enter your 6-digit MPIN. आपको MPIN डालना जो आपने MPIN बनाया होगा 6-digit का एप्लीकेशन के अंदर। Please hold while I transfer your call to a customer care officer for assistance. अब हमारा कॉल दोस्तों कस्टमर केयर के पास ट्रांसफर हो रहा है। गुड आफ्टरनून, आपकी बात कोटक 811 एक्सपर्ट से, हाँ सर मैं समझ सकती हूँ, आपने काफी देर से इंतजार किया इसलिए माफी चाहेंगे यदि कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए। देखा दोस्तों इस तरीके से आप जो है कॉल मिला सकते हो कोटक महिंद्रा बैंक के पास, ठीक है। अगर आपके पास CRN नंबर था CRN नंबर से कॉल मिलाओ, अगर आपके पास मोबाइल नंबर था उससे कॉल मिला सकती हो। तो देखो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ।